नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम के बारे में। 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है अर्थिंग और बॉन्डिंग। दो और दो से अधिक कंडक्टिंग मेटेलिक पार्ट्स के बीच सॉलिड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बॉन्डिंग कहते हैं। आज बात करेंगे बॉन्ड की। जो बोर्ड लगाए जाते हैं उनका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया 200 स्क्वायर mm होना चाहिए, या हम 40 mm बाई 6 mm माइल्ड स्टील की प्लेट का यूज करते हैं। रिटर्न करंट का मैक्सिमम पार्ट अर्थ सर्किट के द्वारा TSS की ब्रेड रेल को सप्लाई होता है। रिटर्न करंट का बैलेंस पार्ट इस ट्रैक्शन रेल से TSS की ब्रेड रेल को जाता है। बॉन्डिंग एवं अर्थिंग सिस्टम द्वारा रिटर्न करंट अर्थ सर्किट में स्प्रीड होकर फ्लो होती है और रेल और अर्थ के बीच वोल्टेज को कम करती है, जिससे कि पर्सनल सेफ्टी इंश्योर होती है। दूसरा, ट्रैक्शन रिटर्न करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ भी प्रोवाइड करवाती है। स्टेशन यार्ड एरिया में नेगेटिव और पॉजिटिव दो रेल होती है, दोनों के बीच में ग्लूड जॉइंट लगाया जाता है। ट्रैक्शन जो ट्रैक होता है वो नेगेटिव रेल से बनता है। दोनों की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, ट्रैक्शन सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक नेगेटिव रेल का कनेक्शन दूसरे नेगेटिव रेल से जेड बॉन्ड लगा के किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है जेड बॉन्ड। ये एक नेगेटिव रेल को दूसरी नेगेटिव रेल से जोड़कर ट्रैक्शन सर्किट को कंप्लीट करता है। स्ट्रक्चर बॉन्ड प्रत्येक मास्ट को ट्रैक से कनेक्ट करता है। यह है रेल बॉन्ड, इसको लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड भी बोला जाता है। ये ट्रैक्शन ट्रैक जो रेल होती है उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए लगाया जाता है। टर्न आउट और क्रॉस ओवर लोकेशन पर दोनों ट्रैक को इस तरह से सी बॉन्ड लगा के जॉइंट किया जाता है। एक ही ट्रैक की दोनों रेल को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लगाया जाता है उसे क्रॉस बॉन्ड बोला जाता है। प्लेटफॉर्म शेल्टर को स्ट्रक्चर बॉन्ड लगा के ट्रैक से कनेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे बॉन्ड को ट्रैक से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले रेल की वेब पर ड्रिल करके होल करते हैं, फिर होल की चैम्परिंग की जाती है। तो आप देख रहे चैम्परिंग मशीन से होल की चैम्परिंग दोनों साइड से की गई है। वाशर, ये पंच वाशर, ये M16x50 नट बोल्ट ट्रैक्स हैं। M16x50 बोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ जो लगाए ये है पंच वाशर या फ्लैट वाशर, और जिस तरह ये अपोजिट साइड इसके लगाया गया है स्प्रिंग वाशर, ताकि इसका नट लॉक हो सके। यार्ड में जो डेड एंड होते हैं और अनवाइड ट्रैक होते हैं उसका 50 मीटर तक का पार्ट ट्रैक सर्किट का मानते हुए उसकी पूरी बॉन्डिंग करते हैं। अब देखेंगे हम LC गेट पर किए जाने वाले बॉन्डिंग अरेंजमेंट के बारे में। ये जो पेंसिंग है इसको स्ट्रक्चर बॉन्ड लगा के कनेक्ट किया जाता है। LC गेट के दोनों एंड पे लगभग 5-5 मीटर की डिस्टेंस पर
ये क्रॉस बॉन्ड लगाया जाता है जो ट्रैक की दोनों रेल को कनेक्ट करता है। गेट को बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं, के ऑपरेटिंग हैंडल को भी स्ट्रक्चर बॉन्ड से कनेक्ट किया जाता है। यदि फीडिंग पोस्ट ओपन रूट एरिया में है तो बरी ड्रेल का जो कनेक्शन किया जाता है उसके दोनों साइड पर प्रत्येक 300 मीटर, 500 मीटर, 750 मीटर एवं 1000 मीटर पर क्रॉस बॉन्ड लगाए जाते हैं।